नमस्कार साथियों, आपका भाई बेटा विधायक नीरज शर्मा, NIT 86 फरीदाबाद, चंडीगढ़ में डबुआ मंडी के साथियों के साथ हमारी बहुत लंबी बैठक ACS एग्रीकल्चर श्री सुधीर राजपाल जी के साथ रही। सर्वप्रथम उनको धन्यवाद किया गया, हनुमान चालीसा की प्रति भेंट की गई कि जो 704 अवैध ढंग से फंड अलॉट करे थे, लंबी कानूनी प्रक्रिया के चलने के बाद वो सारे फंड उन्होंने रद्द कर दिए और उसके साथ साथ ACS महोदय से ये खास तौर से गुजारिश की गई कि अगले जो भी फंड अलॉट किए जाए वो उस हिसाब से किए जाए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी हो, क्रिस्टल क्लियर हो, नीट एंड क्लीन हो, गरीबों का हक गरीबों को मिले, ऐसे ना हो पहले की तरह मर्सिडीज में घूमने वाले, सरकारी नौकरी, CM विंडो में एमिनेंट पर्सन, पार्षद, पूर्व पार्षद, उनको ये गरीबों का हक मिल जाए, उन्होंने पूरा विश्वास दिलाया। उसके बाद जो आजकल छोटी दुकान और बड़ी दुकान का झगड़ा चल रहा है उसको लेके बड़ी सकारात्मक बातचीत हुई, उसके लिए भी उन्होंने आश्वासन दिया कि जो हमने कागज अलॉटमेंट लेटर में शर्त नंबर 9 लिखी है उसकी पालना जरूर कराई जाएगी। और धौस से टीकरी खेड़ा तक के रास्ते की चर्चा हुई, बीजोपुर से खोरी जमालपुर तक के रास्ते की चर्चा हुई, पाखल से नेकपुर तक के रास्ते की चर्चा हुई और डबुआ सब्जी मंडी की सीवरेज की व्यवस्था को लेकर भी लंबी चर्चा रही। और इसके साथ साथ अंत में जिस अधिकारी ने, राहुल यादव ने, इस तरीके से गरीबों का हक मारा, अधिकारियों ने बताया कि वो जाँच में सहयोग नहीं कर रहे, आ नहीं रहे, उनकी 2 इंक्रीमेंट रोक दी गई हैं और इसके अलावा जो भी कानूनन कार्रवाई बनेगी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, डिपार्टमेंट ने पूरा विश्वास दिलाया है। इनके मंत्री जी से भी बात हुई, मंत्री जी ने भी कहा कि नीरज जी, हम इस भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसमें घोर अनियमितता हुई है। इन सब चीज़ों के साथ हमारी चंडीगढ़ में बैठक रही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम।